चाहे हम किसी से कह पाएं ना कह पाएं, हम आप सब किसी न किसी सपने की तलाश में चलते चले जाते हैं। छोटे बड़े सपने, अनकही ख्वाहिशें, कभी वो पूरे हो जाते हैं, कभी तलाश जारी रहती है ना? यही हम सब का सफर है और हम सब अपनी अपनी कहानी के नायक नायिका। प्राउड तो देखो फील होता ही है, जैसे घर पे हैं बड़े बुजुर्ग तो ये भी बोलते हैं हमारी छोरी की छोरा सा कम है। ऐसी ही एक कहानी की ऐसी ही एक नायिका है पूनम सैनी। मुंबई में उनका एक छोटा सा सपना पल रहा था। पूनम को एक बिजनेस वुमन बनना था, लेकिन बड़े शहर की आपाधापी में सपनों की डोरी थाम नहीं पा रही थी वो। अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट पति और बच्चों के साथ बैठकर खाना तक तो साथ में खा नहीं पाते थे। बच्चों के साथ बाहर जाना है, नो टाइम। वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है, नो टाइम। फादर के साथ कहीं जाना है, नो टाइम। मदर के साथ कहीं जाना है, नो टाइम। प्रॉब्लम्स आई, इनिशियल आती भी है और अभी भी आ रही है। वो बच्चे छोटे हैं, उनकी स्कूलिंग, सब चीजों में भाई आपको रोल निभाना, प्ले करना पड़ता है। लेकिन पूनम ने सपनों की डोरी जो थाम ली थी तो छोड़ना थोड़े था। एक दिन दोनों ने तय कर लिया कि अपने शहर जयपुर वापस लौट जाना चाहिए। पति ने जयपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंसी शुरू की तो पूनम ने अपनी चार दीवारी के बाहर कदम रख लिया था। वो एक बिजनेस वुमन बन गई थी। मैंने फैब्रिक का मार्केट फर्स्ट पकड़ा, शूज कैटेगरी में आई। उसके बाद मैंने दुपट्टों की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। ऑफलाइन में आपको शॉप लेनी ही पड़ेगी, आपको मार्केट के बीच बैठना ही पड़ेगा। ऑनलाइन में आप ऑल ओवर इंडिया को कैप्चर कर रहे हो आपके घर से। तो फिर मैंने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सर्च किया, स्टडी किया। जो रिस्पॉन्स मुझे मिला वो था फ्लिपकार्ट। लेकिन जितनी आसानी से आपको बता रही है ना, उतना आसान पूनम का रास्ता था नहीं। और वैसे भी एक महिला जब अपने तरीके से काम करने, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए दहलीज से बाहर निकलती है तो सैकड़ों अड़चने उसका इंतजार कर रही होती हैं। देखो कमेंट होता है लोगों का, कोई नहीं चाहता कि सामने वाला की प्रोग्रेस करे। फिर अपने हस्बैंड से डिस्कशन किया तो वो और मैं, हम दोनों ने मिलके ई कॉमर्स का एल्गोरिथम हमने समझा। एक ऑर्डर आया, फिर डे बाय डे ऑर्डर्स इंक्रीज हुए मेरे। लेकिन पूनम अपनी कहानी की नायिका थी। मन में ठान लिया था कि बिजनेस वुमन तो बनना ही है। फ्लिपकार्ट की सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि उनके पेमेंट्स मोड वो बहुत अच्छे हैं, सेलर सपोर्ट टीम बहुत अच्छी है। कोई टेंशन नहीं है कि आपको एनी टाइम अगर कोई क्वेरी आती है तो वो उसको सॉल्व कर देते हैं। और उनके पास एक और अदृश्य ताकत थी जो कई बार और महिलाओं के पास नहीं होती, घर के बड़ों का साथ और आशीर्वाद। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा सपोर्ट था, मेरे हस्बैंड से बड़ा सपोर्ट जो मेरे पास था वो मेरी मदर इन लॉ का था। मान लो अदरवाइज मैं अगर सिंगल फैमिली होती तो मुझे मेरे बच्चों को मेड को छोड़ना पड़ता। आज अपनी दादी के साथ हैं तो उनमें जो संस्कार हैं वो उनकी दादी के आएंगे। काम बढ़ने लगा और फिर जीवन साथी उनके इस सफर का भी साथी बन गया। पूनम का सपना सच करने के लिए उनके पति राकेश कुमार सैनी ने अपनी नौकरी छोड़ दी। एक पहिए में दूसरा जुड़ गया तो गाड़ी दौड़ने लगी। फाइनेंशियली अपने को देखना होता है कि भाई ठीक है, भाई अब मैंने स्टैंड कर लिया है। तब मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि भाई अब आप सोच करके अपने बिजनेस में आ जाओ, अपन अब एक से भले दो। परिवार का साथ हो तो हर लड़ाई जीती जा सकती है। पहले जिनका चेहरा वो दो दो दिन तक नहीं देख पाती थी, अब वो दिन भर साथ रहने लगे थे। नौकरी ने जहाँ दूरी पैदा कर दी थी, बिजनेस ने वहाँ नजदीकियाँ ला दी। मेरे हस्बैंड के लिए सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हम दोनों 24 आवर साथ में रहते हैं। सपनों की डोरी थामे पूनम अब औरों की उंगलियों में उम्मीद बांध रही हैं। इनसे इंस्पायर होकर मैंने इनसे कॉन्टेक्ट किया,
और अपना काम स्टार्ट करने के लिए इनसे बात की और इनके सैलरी के रूप में मैंने अपना काम स्टार्ट किया। जो फ्लिपकार्ट जैसे हमें सपोर्ट करता है ना, वही मैं ये हूँ कि फ्लिपकार्ट के सेलर्स को मैं सपोर्ट कर रही हूँ। चाहे हम किसी से कह पाए ना कह पाए, हम आप सब किसी न किसी सपने की तलाश में चलते जाते हैं। यही हम सब का सफर है और हम सब अपनी अपनी कहानी के नायक नायिका।